हेलो गाइज, वेलकम टू टेक्स वी। मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, आज आपके सामने खड़ी है हैरियर ईवी। भाई हैरियर जो है पहले ही बहुत सक्सेसफुल कार है, डीजल में जो उसने धुआं उठा रखे हैं लुक्स आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी जो डिटेल्स जो वो कम्प्लीटली नहीं आई हैं, बस जो है एक्सटीरियर के जो वो दिखा दिया है और आपको कुछ डिटेल्स जो वो आपको बता दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टायर्स, आप देखोगे तो टायर्स जो है वो आपको एटलीस्ट 19 इंचेस के जो है वो आपको टायर्स मिलेंगे गाड़ी में। और डिज़ाइन आप देखोगे तो अलॉय व्हील्स का वो बहुत अलग है जो कि आपकी नॉर्मल हैरियर में आता था। और टेल लैंप्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट टेल लैंप्स जो आपको मिलते हैं, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं। कुछ कुछ जैसे कि किया वगैरह में आते थे ऐसे टेल लैंप जो आपको दिए हुए हैं। 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था वो आपको मिलते हैं। बाकी टॉप पे आप देखोगे तो आपको जो है पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, शार्क फिन एंटीना जो आपको दिया हुआ है, डॉट ईवी करके जो है इसमें ब्रांडिंग की हुई है। ये देखिए हर जगह पे ही डॉट ईवी करके जो इसमें ब्रांडिंग की हुई है। बाकी आप देखोगे तो फ्रंट से आप जो है आपको DRL दिए हुए हैं। देखने में हैरियर जैसी ही लग रही है बट थोड़ी डिफरेंट है। फ्रंट में जो आपको DRL दिए हुए हैं, DRL जो है वो एक दूसरे को भी कनेक्ट करते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट के DRL आप एक दूसरे कनेक्ट करते हैं। नीचे की तरफ जो आपको प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे जो आपको LEDs दी हुई हैं कार में। तो डायमेंशन जो है मुझे देखने में, मैं आपको बताऊं तो थोड़ा बड़ी लग रही है, ऐसे नॉर्मल सी तो वो नहीं लग रही है। और टेल लैंप जो अच्छे हैं। बाकी नीचे की तरफ जो आपको फॉग लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, नीचे दो पार्किंग सेंसर्स भी जो आपको दिए हैं, सिल्वर कलर की जो आपको स्किड प्लेट दी हुई है, डिफॉगर्स भी आपको दिए हैं, हाई माउंटिंग लाइट भी जो आपको दी है। यहाँ से आप देखोगे तो एक चीज़ जो आपको क्लियरली नोटिस होगी कि आपको जो है नया डिज़ाइन जो मैंने अभी टाटा एल्ट्रोज की वीडियो में डाला था वही टच स्क्रीन जो है इसमें मिलती है, बट बड़े साइज के साथ। तो मतलब टाटा ने जो अपना पूरा लेआउट जो है आने वाली कार्स के लिए वो चेंज कर दिया, तो टच स्क्रीन जो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, और लेआउट जो है और जो आपका डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो भाई ये भी जो आपको दिया हुआ है, बाकी आपको रेन सेंसिंग वाइपर सेफ्टी तो भाई आपको पता ही है टॉप लेवल की मिलती है टाटा। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम 6 एयरबैग तो जो वो होंगे ही होंगे, उससे कम तो मेरे हिसाब से नहीं होंगे। और बाकी ABS, EBD, ESC ऐसे फीचर्स भी जो इसको मिलेंगे, ऑटो फोल्डेबल ORVM जो आपको मिलेंगे, पियानो ब्लैक कलर ने जो वो आपको ORVM दिया। एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि भाई इसका जो मिरर है ना उस पर कैमरा दिया हुआ है, तो इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है वो आपको दिया जाएगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि पीछे भी जो है वो कैमरा दिया हुआ है। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे भी जो आपका कैमरा दिया हुआ है और आगे भी जो है मेरे हिसाब से जो है आपको कैमरा दिया हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कार का वो भी एकदम नया है। और आपका मतलब टाटा ने अपना लेआउट जो पूरा चेंज कर दिया, और भाई आज तो टाटा ने कमाल ही कर दिया, 6-7 गाड़ियां एक साथ लॉन्च कर दी हैं। और जो है मैंने 3-4 गाड़ी जो कवर भी कर ली है, और आपने चैनल पे वीडियो नहीं देखी है तो भाई आप जाकर देख लेना, जरूर जाकर सारी गाड़ी जो कवर कर ली है। ये देख लीजिए फ्रंट में भी एक कैमरा दिया हुआ है जैसे कि मैं बात कर रहा था फ्रंट में, और आपको दो सेंसर्स दिए हुए हैं। तो भाई ये सेंसर्स मेरे हिसाब से तो भाई आपको एडास इसमें मिलने वाला है, और 95% चांसेस हैं कि आपको एडास जो है वो मिलने वाला है आप हैरियर में इलेक्ट्रिक में। और फिर उसके बाद जो है डीजल और पेट्रोल में जो आती हैं उसके साथ भी जो आपको मिल जाएगा। सस्पेंशन जो है आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दी हुई हैं, और पीछे की तरफ भी जो है आपको ड्रम ब्रेक्स दी, आपको पीछे की तरफ भी जो है वो डिस्क ब्रेक्स दी हुई हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि पीछे की तरफ जो आपको डिस्क ब्रेक दी हुई हैं, दोनों ही जो है ऊपर जो है वो आपको डिस्क ब्रेक्स दी हुई हैं कार में। और भाई ये गाड़ी ना जो मतलब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये गाड़ी धुआं उठा देगी, क्योंकि नेक्सॉन ईवी है एक मतलब मान लिया अच्छी ऐसी हुई है और अच्छी ईवी है, बट इसमें क्योंकि स्पेस बहुत है तो बैटरी कितनी बड़ी प्लेस कर सकते हो आप ये सोचो पहले बार, कम से कम भी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तो भाई 650-700 किलोमीटर की रेंज तो ये देंगे ही देंगे इसके साथ, क्योंकि बैटरी जो है वो नीचे प्लेस की होगी, और नीचे प्लेस करने के बावजूद जो है यहाँ पर आपको स्पेस जो है ठीक ठाक जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि यार वो बैटरी नीचे प्लेस है और व्हील बेस जो है कार का बहुत बड़ा है। तो इस गाड़ी का मुझे लगता नहीं कि कोई कॉम्पिटिशन बन पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी अपने आप को ईवी जो है बना नहीं पाता जितना टाटा ने हैरियर को बना के दिखा दिया है, और टाटा की लगभग जो है सारी गाड़ियाँ जो है वो आपकी मिल जाती है। बाकी अभी बैटरी रेंज और इन सब चीज़ों की डिटेल जो है वो अभी लीक नहीं हुई है ना बताई गई हैं किसी भी को भी, तो वो जैसे ही आएंगी मैं जो है चैनल पर जो है एक कंप्लीट वीडियो डालूंगा तो आप देख लीजिएगा। सो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माई वीडियो।